अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की टाइप्स को। इससे पहले हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की डेफिनेशन कर चुके हैं। हमने देखा कि ऐसे प्रिंटर्स जो स्ट्राइकिंग के बगैर आपकी इमेज को, आपकी आउटपुट को प्रिंट करते हैं, उसे हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहते हैं। हमारे पास तीन टाइप्स के नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मौजूद हैं। नंबर वन लेज़र प्रिंटर, सेकेंड पे इंकजेट प्रिंटर, नंबर थर्ड थर्मल प्रिंटर। सबसे पहले देखते हैं लेज़र प्रिंटर क्या होते हैं। लेज़र स्टैंड फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशंस ऑफ रेडिएशन। लेज़र प्रिंटर आपका एक फोटो कापी मशीन की तरह वर्क करता है। इसमें होता क्या है, इसमें हमारे पास एक प्लेस होती है जिसे हम टोनर कहते हैं। उस टोनर के अंदर आपके पास एक स्पेशल पाउडर मौजूद होता है। आपके पेपर के ऊपर जो भी आपकी आउटपुट प्रोड्यूस होती है वो इस पाउडर के थ्रू होती है। लेज़र प्रिंटर एक लेज़र बीम को यूज़ करता है। उस बीम की मदद से इस पाउडर को बर्न किया जाता है। बर्न करने के बाद इस पाउडर को पेज के ऊपर कुछ इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि ये आपकी डिज़ायर्ड जो भी आउटपुट है उस पेज के ऊपर प्रोड्यूस करते हैं। लेज़र प्रिंटर एक ही टाइम के अंदर पूरा का पूरा पेज प्रिंट करते हैं। एक टाइम के अंदर एक करेक्टर या एक लाइन को प्रिंट नहीं करते, बल्कि एक ही टाइम के अंदर पूरा का पूरा जो पेज है वो प्रिंट कर देते हैं। इसलिए इसकी जो स्पीड है वो हम मेजर करते हैं पेज पर मिनट, यानी कि एक मिनट के अंदर वो कितने नंबर ऑफ पेजेस प्रोड्यूस करता है वो उसकी क्या होगी, वो लेज़र प्रिंटर की स्पीड होगी। जितने ज़्यादा पेजेस वो प्रोड्यूस करेगा उतनी उसकी स्पीड बेहतर होगी। नॉर्मली जो हम लेज़र प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं उसकी स्पीड 500 पेजेस से लेकर 300 पेजेस पर मिनट तक होती है, यानी कि कम से कम ये एक मिनट के अंदर 5 पेजेस को प्रिंट कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा ये 300 पेजेस को प्रिंट कर सकता है। इसकी स्पीड डिपेंड करती है कि आप किस किस्म की आउटपुट को प्रिंट कर रहे हैं। अगर आप एक सिंपल टेक्स्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिंपल टेक्स्ट का प्रिंट ले रहे हैं, तो उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होगी। लेकिन अगर आपके पास कोई कम्प्लेक्स ग्राफिक्स हैं तो उसको प्रिंट करने में लेज़र प्रिंटर को टाइम लगेगा, तो उसकी जो स्पीड होगी वो स्लो हो जाएगी। लेज़र प्रिंटर हमारे पास बहुत हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस प्रोवाइड करते हैं, यानी इसकी जो रेजोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। नॉर्मली एक लेज़र प्रिंटर की जो रेजोल्यूशन है वो हमारे पास 1200 डॉट्स पर इंच होती है, 1200 dpi होती है, यानी कि एक स्क्वायर इंच के अंदर ये हमारे पास 1200 डॉट्स को प्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा लेज़र प्रिंटर प्रिंट करते वक्त किसी भी किस्म का नॉइज़ प्रोड्यूस नहीं करते। ये इम्पैक्ट प्रिंटर की नस्बत थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है और स्पीड है वो इम्पैक्ट प्रिंटर्स की नस्बत बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। सेकेंड हमारे पास जो टाइप है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की वो है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर हमारे पास ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जो आपकी इमेज को इंक के स्प्रे की मदद से प्रोड्यूस करते हैं। इसमें हमारे पास इंक मौजूद होती है, उस इंक को हम स्प्रे करते हैं आपके पेज के ऊपर, और उस स्प्रे कुछ इस तरह से की जाती है कि आपका जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वो प्रोड्यूस हो जाता है। इंकजेट प्रिंटर हमारे पास कलर प्रिंटर्स के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि अगर आपने कोई कलर ग्राफिक्स को प्रिंट करना है या आपके जो टेक्स्ट है आपने मल्टीपल कलर्स में प्रिंट करना है, तो वहाँ पर भी हम इंकजेट प्रिंटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंकजेट की जो आपके पास स्पीड है वो लेज़र प्रिंटर की नस्बत स्लो होती है, उसकी जो क्वालिटी है वो भी लेज़र प्रिंटर की नस्बत कम होती है। ये एक मिनट के अंदर मिनिमम 10 से लेकर 35 मैक्सिमम पेजेस प्रिंट कर सकते हैं, और इसकी जो स्पीड है, इसकी जो क्वालिटी है वो 300 डॉट्स पर इंच होती है, यानी कि एक स्क्वायर इंच के अंदर ये 300 डॉट्स प्रोड्यूस करता है। लेकिन कुछ इंकजेट प्रिंटर, लेटेस्ट इंकजेट प्रिंटर्स की क्वालिटी इससे बेहतर भी है, लेकिन नॉर्मली जो हम इंकजेट प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं उसकी जो क्वालिटी है वो 300 डॉट्स पर इंच है। इंकजेट प्रिंटर लेज़र प्रिंटर की नस्बत कम प्राइस में मार्केट में अवेलेबल हैं। इंकजेट प्रिंटर के अंदर हमारे पास दो पोर्शंस होते हैं आपकी इंक को स्टोर करने के लिए।
एक पोर्शन के अंदर आप ब्लैक एंड व्हाइट कलर या इंक को रखते हैं और दूसरे पोर्शन के अंदर आप कलर इंक्स जो हैं, डिफरेंट कलर्स जिस कलर्स में आप अपना इमेज प्रोड्यूस करना चाहते हैं उन कलर्स को स्टोर करते हैं। लास्ट में हमारे पास जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की टाइप है वो है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर हमारे पास ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जो हीट की मदद से आपकी आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं। इसमें हम एक स्पेशल किस्म का पेपर इस्तेमाल करते हैं, उस पेपर के ऊपर थर्मल प्रिंटर हीट को यूज़ करते हुए आपकी इमेज को प्रोड्यूस करते हैं। थर्मल प्रिंटर की जो क्वालिटी है वो लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर की नस्बत काफ़ी बेहतर होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। कॉस्टली क्यों होते हैं? क्योंकि हमें इसको प्रिंट करने के लिए आम पेपर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके लिए हमें स्पेशल पेपर बाय करना पड़ता है और वो जो पेपर है उसकी जो प्राइस होती है वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। इसकी स्पीड इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर की नस्बत स्लो होती है। ये ज़्यादातर हमारे पास कलर प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आज हमने देखा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की टाइप्स को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।